तो हम आ पहुंचे अपने घर में और टाइम हो गया 1:15, 1:11 और अब हम पहुंच गए घर पर, क्योंकि हमें फिर सुबह मिल्किंग का काम करना पड़ता है, तो इन पशुओं के लिए करना पड़ता है रात बरात। तो चलो पहुंच गए हम घर पर, अभी से कर दिया काम शुरू गोबर हटाने का। चलो आ जाओ। तो मैं रूम में पहुंच गई हूँ और धीरे धीरे बात कर रही हूँ ना, पंकज सोया हुआ है यहाँ और इसकी तबीयत नहीं है बिल्कुल भी नहीं ठीक। और मैंने अपनी बिंदी ना चेंज कर ली है, ये वाली लगा दी है, और तो कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अब सो जाते हैं। कल ना बहुत ज़्यादा काम है, ट्रैक्टर भी आएगा और जो हमारे जेठानी के पिताजी ख़त्म हुए हैं वहाँ भी ब्लाउ के लिए निकलना है और शादी के लिए भी फिर जाना है। बारात आएगी 2 बजे, बोल रहे थे कि 2 बजे आएगी बारात है, तो कल ना बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो अब कर लेते हैं रेस्ट, फिर देखते हैं कल क्या होता है। श्री राधे कृष्णा जी, सुप्रभात, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो सुबह हो चुकी है, 8:30 बजे का टाइम है तकरीबन, और काउंटर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। ममता ममता के पापा को भेजा है घास लाने के लिए, भेजा या गए जो भी है, और मैं और पंकु है घर पर। पंकु की तबीयत ठीक नहीं है तो काउंटर में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगे, और मैं मक्की की रोटी बना रही हूँ और गैस पे रखी है मैंने चने की दाल। तो ट्रैक्टर चला गया खेत में, और खेत में मुझे जौ मतलब जो है खेतों में ऐसे फैलाने हैं, और तो एक खेत हमने ऐसे जोतना है और दूसरे खेत में फैलाने हैं जौ। तो जो एक खेत ऐसे जोतना है उसमें बोल दिया मैंने कि आप ना वही जोतो, उतने को मैं आ गई, और कुकर में भी आ रही है अब सीटी। तो रोटी मैंने बना दी है, और एक रोटी तवे पे है क्योंकि नीचे ट्रैक्टर चला गया खेतों में, और वो जो हाँ हमने जौ बीजना है ना वो जौ मंगवा रहे हैं मेरे से। तो अब पंकज है इधर, पंकज कर लेगा इसको एडजस्टमेंट, और रोटियाँ भी वही ढक देगा। मैं जा रही हूँ, पहले मैं जौ फैला लेती हूँ खेतों में, उसके बाद फिर होगा यहाँ के क्लोजमेंट जो भी है। तो ये है मेरे पास जौ और एक बाल्टी नीचे ही है। चलो तो फटाफट से ना खेत में ही मिलते हैं क्योंकि नीचे से बुला रहे हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ खेतों में, और ये है यहाँ एक बाल्टी जौ की। तो फटाफट से मैं फैला लेती हूँ, और ट्रैक्टर आ गया नीचे, नीचे वाला खेत है ना उसको जोत रहे हैं। तो मैं पहले फटाफट से इसको फैलाती हूँ, 1 मिनट में ही आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बाल्टी ले ली है, और बाल्टी है 15 किलो की, फुल थी ये जौ की भरी हुई, और इस खेत में मैं पूरे में फैला लूँगी इनको, क्योंकि ट्रैक्टर 1 मिनट में ही आ जाएगा ऊपर, और बहुत बड़ा खेत है। जौ फैलाते फैलाते थक जाऊंगी क्योंकि यहाँ टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 10:15 बजे जो बस जानी है, हमें जाना है अपनी जेठानी दीदी के साथ, उसके पिताजी एक्सपायर हुए तो मुझे वहाँ भी जाना है, और खेत को कंप्लीट करके जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर ना ट्रैक्टर अपने आप ही चलते रहेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ से बता देती हूँ, तो निकला खेत जो है तो कम्प्लीट हो चुका है, और यहाँ ले रहे हैं मेरा, और इसके बाद अब मैं कुछ भी नहीं पूछ कर पाऊँगी क्योंकि टाइम हो गया 10 मिनट रहे 10 बजने के लिए। और मैं फटाफट से तैयार होकर अपनी जेठानी जी के साथ जाऊंगी, और उसके बाद फिर घर आऊंगी, घर से फिर शादी को निकलना है। और रास्ते में थोड़ा बहुत जो कैप्चर होगा मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए अब मैं जा रही हूँ घर, घर से तो खेतों में जौ फैलाने के बाद दीदी के साथ गए, वहाँ से आए और शादी को निकल गए, और रास्ते में थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया है। तो ये अल्ट्राटेक का स्कूल और हॉस्पिटल है, और जहाँ अल्ट्राटेक का प्रोजेक्ट लगा है वो इस पहाड़ी पे है, अगली वाली पहाड़ी पे है, और ये कैंप वगैरह स्कूल वगैरह हैं वारली वाली धार में, और यही है आगे वाली एक छोटी सी धार है उस पर अल्ट्राटेक का प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और ये है हमारा कटपौल टिब्बा जहाँ सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ से थोड़ी सी दिख रही है जो अल्ट्राटेक की बेल्ट वगैरह लगी है वो भी दिख रही है थोड़ी सी, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इन पहाड़ों पर
निकली हुई है सड़कें हैं और पहाड़ों पर है छोटे छोटे से और गांव। यहाँ से आगे आगे ये देखो छोटे बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे गांव हैं, बहुत अच्छे घर बना रखे हैं। और ये है सतलुज नदी, तत्ता पानी से आती है सीधी यहाँ से और नीचे जाकर है कोल डैम। कोल डैम का हम मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ स्टोर हुआ है पानी, आगे जैसे जाकर मैं काफ़ी दूर हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा झूम करके बता रही हूँ। यहाँ स्टोर होता है कोल डैम का जो है पानी, और वहाँ आगे बांध लगा है वहाँ से छूटता है टाइम टू टाइम पानी। झील के साथ साथ में सड़क है बिल्कुल झील के पास पास से लगती हुई, और छोटे छोटे गांव इतने दूर से जूम करके बता रही हूँ। ये देखिए और ये है ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ, और ये है हमारी सड़क। हम जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी की है, सॉरी थोड़ा सा मैं यहाँ से व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा व्यू लगा यहाँ। और आज है दूसरा दिन शादी को, तो हम शाम को ही आ गए थे शादी से और अब आज फिर जा रहे हैं। टाइम है दिन के 2 बजे और ये सिस्टर साथ में चल रहे हैं, शाम को भी साथ में ही थे और अभी भी साथ में जा रहे हैं। तो अब बेटी भी जा रही है क्योंकि बेटी ने जो हमारे यहाँ हिमाचल में ना बेटी की जब विदाई होती है तो तब शिक्षा वगैरह पड़ जाती है, तो वो काम इसको सौंपा गया है। तो आज ये भी चले साथ में, विदाई होगी कल, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा अपना हिमाचली कल्चर के बारे में बताती रहूँगी। और ये देखिए सतलुज नदी का नज़ारा देख सकते हैं आप, मेरे पीछे बिल्कुल पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और पहाड़ियों के बीच से बहती ये नदी सतलुज। ये देखिए, तो चलो हम पहले से काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि हमें घर में ना बहुत ज़्यादा काम होता है, काम करते करते ना बहुत काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो पहले से बहुत ज़्यादा लेट हैं। आ जाओ, अच्छा फोटो ले लिया। और अब हम सब बैठ गए हैं गाड़ी में क्योंकि ये इसकी शुभ शिक्षा, और मैं ये बताऊँगी आपको ना ये वाली अभी ये मतलब परसों बोला था ना बनाने के लिए, तो अभी अभी आई है बिलासपुर से, और बिलासपुर से हमारे घर काफ़ी दूर है लेकिन टाइम इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने बना दी एक ही दिन में तैयार करके बस में भेज दी। और बिलासपुर है हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पे है बिलासपुर, लेकिन उन्होंने बनाई पैक कर भेज दी है। तो चलो इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगी। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से, और 5 बजे के लगन होते हैं तो शायद 12 से पहले हमें पहुंचना है। हमें तो कुछ नहीं है लेकिन इसको पहुंचना है जो। तो यहाँ से फिर बहुत अच्छा व्यू लग रहा था मुझे, मैंने यहाँ से फिर से वही व्यू कैप्चर कर लिया है। ये देखिए आप भी, मुझे ना बहुत प्यारा लगता है यहाँ से शूट करना, और बहुत प्यारा व्यू दिखता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी पहाड़ियों पर छोटे छोटे से गाँव, और यहाँ तरह से आए हम। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से शूट कर लूँगी और बताऊँगी आपको। तो ये जो आप ये वाला, मैं बैक कैमरे से बताती हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सा व्यू में। तो यहाँ खड़ी हुई है हमारी गाड़ी और वेट कर रहे हैं मेरा, मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ से जाकर सड़क यहाँ से निकलते हुए इन पहाड़ियों के बीच में से, और ये है मेरे नान का यहाँ, नानी तो मेरे है नहीं, नाना जी भी नहीं है, मामा है और मेरे मामी भी ख़त्म हो गए हैं। मेरे जो नानका का गांव है ये हैं, और जो मेरे नानका का घर है वो है ऊपर जैसे पहाड़ियों पे, तो मैं अभी काफ़ी दूर हूँ। और ये देखो, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ये है ऊपर जो पहाड़ियों पे है ना, ये है मेरे मामा जी का घर जहाँ बेटी की शादी है। तो चलो फटाफट से हम, तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।